नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं हूँ बालाजी डेयरी फार्म रतलाम के अंदर और आज हमारे साथ में राकेश जी। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इनका फार्म देखने वाले हैं। देख सकते हो शानदार गीर वो पालक है राकेश जी, और यहाँ पर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक पानी वाला सिस्टम भी यहाँ पर है, और ऊपर देखोगे फोगर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इनका शेड है। इधर आप देखोगे तो काउ पेंट अपने फार्म पर लगवा रखी है, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं सारी लगभग लगभग इनके फार्म पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब इनसे शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनके फार्म के बारे में। राकेश जी, आपने फार्म कब से शुरू किया और कितनी गायें? ये फार्म मैंने 2019 में किया था, 7 गायें से किया था। 7 गायें था जी, और अभी मेरे पास 22 गायें के आसपास है और 12-13 बछड़ियाँ है। 12-13 बछड़ियाँ। हाँ दोस्तों, आप इनका फार्म देख सकते हैं, कितना शानदार फार्म है। और यहाँ पर कितनी आपके पास में दूध देने वाली गायें आप बताइए? मेरे पास 9 से 10 गायें भी दूध दे रही है। हाँ हाँ। और एक टाइम का ही दूध हम सेल करते हैं, और एक टाइम का दूध हम जनरली उसको जमा के मतलब घी वगैरह बनाने के लिए करते हैं। घी बनाने के लिए हम पुरानी पद्धति जो चलती थी, दही बनाना, दही दही से फिर उसका अपने को फर्मेंटेशन करके फिर छाज बना के फिर घी वगैरह बनाना, वही चीज़। अच्छा, मतलब पुरानी विधि से यहाँ पर घी बनता है। और यहाँ पर आप इनकी शानदार गायें भी देख सकते हैं, इधर देखिए वहाँ पर आपकी शानदार गायें। तो अभी टोटल कितने आपके फार्म पर गायें, मतलब छोटे बड़े सब मिलाकर? अभी टोटल छोटे से और बड़े सब मिला के 51 है। 51 हाँ, ये देख सकते हैं इनका फार्म। अगर आप बच्चियाँ देखेंगे तो उस बाहर साइड हैं तो उधर भी हम चलेंगे। पहले इनका आप फार्म देख लीजिए। अच्छा, आपके यहाँ पर कितने लीटर से कितने लीटर की गायें? अपने यहाँ पे जनरली 9 लीटर तक दूध अपन अपने पास गायें हैं, 7 से 9 लीटर तक की गायें अपने पास थे। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक शानदार लॉकिंग सिस्टम बताने वाला हूँ गायों का। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गाय है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक शानदार लॉकिंग सिस्टम है गायों के लिए, जो कि राकेश जी ने लगा रखा है। ये देखिए, तो ये आपने बनवाए या फिर मंगवाए? ये जनरली मार्केट में मिलता है, क्योंकि अपन अगर साथ में अगर सारी गायें एक साथ छोड़ेंगे तो लास्ट वाली गाय का तो अधिकतर यही बनता है कि रस्सी अपने को काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेगी। और अपन यही है कि अगर 2 मिनट में अपन पूरी सभी गायों को पूरा खोल के बांध सकते हैं। ये देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे सिस्टम इनके फार्म पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। जनरली अपन अगर गाय से अगर सोचेंगे कि अपन गाय का दूध वगैरह ये बेच के अपन प्रॉफिट में आएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन को गाय के साथ साथ इनका गौमूत्र है, गोबर है, उसका भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अपन जो शेड बना रखा है इसमें अपनों ने गाय का जो भी, जैसे कि वहाँ से गाय गौमूत्र वगैरह होगा, वहाँ से होते हुए यहाँ पर अपनों ने ये बना रखा है, चैम्बर बना रखा है, पाइपलाइन डाल रखी है, यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पे चैम्बर बना रखा है 100 लीटर का। 100 लीटर का चैम्बर है? हाँ, ये गौमूत्र का पूरा, जैसे कि ये भर चुका है पूरा, यहाँ से अपन इसको अपन यूज के लिए ले सकते हैं। जी जी जी। जैसे कि अपने को इससे दवाइयाँ वगैरह बनानी है, जीवामृत के लिए गौमूत्र वगैरह चाहिए, तो अपन उसको यहाँ से अपन कलेक्शन कर सकते हैं गौमूत्र का। और आप फीड में क्या क्या खिलाते हैं यहाँ पर देख रहे हो? फीड में जनरली में जैसे कि इनको खिलाने के लिए सुबह और शाम का जो रहता है, पहले तो इनको 4 से 5 तरह की औषधि के लिए खिलाना चालू है ही सही। हाँ हाँ। हल्दी है, शतावरी है, जीवंती है, काली जीरी है, तो ये चीज़ें इनको जनरली चलती है औषधि में। और फीड की बात की जाए तो इनको 4 से 5 तरह का अपन जैसे कि दाना वगैरह रहता है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, मक्का है, और सरसों की खली है, कपासिया है, और जो खली रहती है नॉर्मली वो, ये सब चीज़ें आपस में मिला के 20 दिन का अपन तैयार करते हैं और 20 दिन तक इनका वो चलता रहता है। जी, अब मैं जानना चाहूँगा आपके फार्म पर कितने गोत्र की गायें हैं? अपन अगर इनमें बात करी जाए तो अपन 2 से 3 गोत्र की अपने पास है भी है, जैसे कि एक स्वर्ण कपिला जो है, स्वर्ण कपिला है, एक काबरी जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में काबरी चल रही है, वो 2 या 3 गायें अपने पास काबरी है, बाकी जो लाल है जी जी। अच्छा, तो ये यहाँ पर इनका फार्म देख रहे हो तो यहाँ पर आपको लगभग 2-3 गोत्र की गायें इनके फार्म पर आपको देखने को मिलने वाली है। बाहर भी हम चलते हैं तो इनके बछड़े भी आप देखिए। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर छोटे बछड़े हैं और यहाँ पर एक शानदार बुल भी तैयार हो रहा है, तो इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। हाँ देखिए, कितना शानदार बुल है इनके पास में। जनरली जैसे कि अगर अपन इनमें बात करते हैं, ब्लड लाइंस की बात करते थे, भावनगर ब्लड लाइंस से बिलोंग कर रहा है। जी जी, ये देखिए शानदार बुल है, देखा जाए तो बिल्कुल शांत स्वभाव में है। क्या क्या एज होगी सर इसकी? इसकी अभी 2.5 साल की है। 2.5 साल की है। हाँ। ये देखिए बहुत बहुत ही शानदार, ये देखिए। अब इससे अपनों ने गाय क्रॉस वगैरह करवाना चालू कर रहा है अभी,
और अगर देखते हैं अपन ये बछड़े वगैरह इधर, तो अभी ये बछड़े इधर से 6 महीने के, जी जी छह महीने से 8 महीने के बछड़े अभी है। ये देखिए ये कितनी प्यारी बछड़ी है दोस्तों, ये देखिए ये बिल्कुल कितने महीने की होगी सर, ये 8 महीने की बछड़ी है, 8 महीने की शानदार बछड़ी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर 15 दिनों से 6 महीने के बछड़े रहते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी शाइनिंग आप देखिए, और इनसे ही जानते हैं, राकेश जी हमारे साथ में ही हैं। राकेश जी बताइए इनके बारे में, इतने तैयार कैसे हो रहे हैं? इनको तैयार करने के लिए जनरली इनको 2 थन का दूध अपने को पिलाना पड़ेगा बिल्कुल, और अगर अपन 2 थन का दूध देखते हैं तो वापस अपने को 2 साल में ये बच्चे जो है वापस क्रॉस होके 2.5 से 3 साल में अपने को वापस दूध पे आ जाए, मतलब दूध देना चालू कर देंगे ये खुद ही। तो अपन जनरली देखते हैं अगर अपन बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, हाँ। तो वो 3 साढ़े 3 साल तक तो वो हीट पे आते हैं, उसके बाद वो मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता है जी जी। और अगर अपन इनको दूध पिला रहे हैं तो ये 2 से 2.5 साल में अपने को मतलब वापस 2.5 से 3 साल जब लगेगा तब इनको खुद का मतलब बच्चा आ जाएगा जी जी। दोस्तों ये था इस वीडियो में, और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूले। दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।